हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज हम लोग फिटर टर्नर मशीनिस्ट के क्लास के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि कटिंग टूल्स का और सेफ्टी फायर का क्लास हो चुका है। आज हम लोग मेजिंग टूल के बारे में डिस्कशन करेंगे और मेजिंग टूल का भी दो क्लास आपको हो चुका है। आज हम लोग तीसरी क्लास के बारे में पढ़ेंगे। मेजिंग टूल में तीसरी क्लास में आपको क्या पढ़ना है, आज दो ही टॉपिक लेके आए हैं, ट्राई एक्सपायर और होल गेज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपको टॉपिक है। यहाँ से दो तीन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, और मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि यह आता है, वह क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, इसलिए आप लोग उसको नोट करते चलिए, इसीलिए आपको उसको याद करते चलिए। लेकिन चैनल को जो लोग नए हैं उसको चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड के पास। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको टेलीस्कोप गेज और होल गेज, टेलीस्कोप गेज और होल गेज है क्या, तो दोनों एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, वैसा इंस्ट्रूमेंट या वैसा टूल्स जिसको किसी भी जॉब को माप लेते समय उस इंस्ट्रूमेंट को माप नहीं पढ़ा जा सकता है, अर्थात दूसरे टूल्स की सहायता लेना पड़े, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं टेलीस्कोप गेज के बारे में। टेलीस्कोप गेज है क्या एक प्रकार का, तो टेलीस्कोप गेज एक प्रकार का इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, कह सकते हैं। इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, तो वैसा इंस्ट्रूमेंट जिसकी दूसरी टूल्स की सहायता लेने पड़े। देखिएगा तो क्या कह रहा है, यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है। अप्रत्यक्ष मतलब होता है इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके द्वारा सुराख मतलब होल या स्लॉट, स्लॉट का मतलब होता है ग्रूव, के अंदर का साइज मापा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि यह कोई किसी प्रकार का जॉब है और जॉब में यह आपको होल है, तो होल में अगर इसकी बोर है कि होल के साइज को या स्लॉट के साइज को मापता है, तो इसमें दो प्रकार के साइज है, एक तो इसकी गहराई आ गई, एक तो इसकी गहराई आ गई, ठीक है, और दूसरा आपको इसके थिकनेस आ गए, तो कौन सा साइज मापता है, तो मैं बता रहा हूं टेलीस्कोप गेज के द्वारा उसकी व्यास को मापा जाता है, डाया को मापा जाता है, ठीक है। यहां से भी क्वेश्चन बहुत बीबीआई है एग्जाम में आता है, यह आया हुआ है, टेलीस्कोप गेज का यूज किया जाता है स्लॉट के साइज को मापने के लिए, होल के व्यास को मापने के लिए। अब उसके बाद वह किस रेंज के साइज को मापता है, तो वह 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक के साइज को मापता है। 12.7 mm से लेकर 152.4 mm तक बहुत बीबीआई है। अगर एग्जाम में टेलीस्कोप गेज से क्वेश्चन उठाता है तो पहला क्वेश्चन यही प्राथमिकता देता है कि वह किस रेंज के साइज को, दिल्ली मेट्रो में बहुत बार यह क्वेश्चन आया हुआ है। अब है टेलीस्कोप गेज को पांच सेटों में विभाजित किया गया है आपको सेट वन, सेट टू, सेट थ्री, सेट फोर और सेट फाइव, सबका साइज अलग अलग होता है। जैसे सेट नंबर वन, तो सेट नंबर वन का अगर साइज देखिएगा तो कह रहा है 12.7 mm से लेकर 19.0 mm तक होता है। 12.7 mm से लेकर आपको 19.00 mm तक होता है। सेट नंबर अगर टू की बात करें तो सेट नंबर टू जो होते हैं वह 19.00 mm से 31.70 mm तक साइज मापता है। सेट नंबर थ्री की अगर बात किया जाए तो कह रहा है 31.7 से लेकर 53.90 mm तक साइज को मापता है। अगर सेट नंबर यही फोर की बात किया जाए तो सेट नंबर फोर में है 53.90 mm से लेकर आपको 88.90 mm तक लेता है। और लास्ट में सेट फाइव जो है वह सेट फाइव जो आता है 88.9 mm से लेकर 152.4 mm तक लेता है। यह साइज बहुत भी महत्वपूर्ण है, आपको याद करना है। यही था टेलीस्कोप गेज, और टेलीस्कोप गेज से यही क्वेश्चन आता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा हुआ है कि टेलीस्कोप गेज का साइज किस पर सेट करते हैं, तो टेलीस्कोप गेज का साइज वर्नियर कैलिपर पर या माइक्रोमीटर पर सेट किया जाता है। हाँ, यह दिया हुआ क्वेश्चन टेली, इसका साइज वर्नियर कैलिपर, इसका साइज वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पर सेट किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे यह आपको साइज, यह है टेलीस्कोप गेज, यह है टेलीस्कोप गेज जो टी के जैसा होता है। इसके विभिन्न पार्ट्स के नाम को आपको
दिया हुआ है। अब उसके बाद टेलीस्कोप गेज के बाद हम लोग चलते हैं होल गेज। होल गेज भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और टेलीस्कोप गेज के छोटे साइज को ही होल गेज कहते हैं, अर्थात छोटे साइज के अर्थात स्लॉट के व्यास को, अर्थात स्लॉट के व्यास को या स्लॉट के साइज को या किसी भी होल के डाया को मापना हो, छोटे होल की डाया को मापना है तो होल गेज का प्रयोग करते हैं। होल गेज ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसे देखते हैं होल गेज के बारे में क्या कह रहा है, यह एक अप्रत्यक्ष माप औजार है। अप्रत्यक्ष मतलब इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात इसका प्रयोग रीडिंग लेते समय किसी भी टूल्स की सहायता लेना पड़ता है। सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर होल गेज से पहला क्वेश्चन उठाता है तो यह पूछता है कि होल गेज को और किस नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। अगर होल गेज से तो हेमी स्फेरिकल गेज, स्मॉल होल गेज के नाम से जानते हैं, हेमी स्फेरिकल गेज या होल स्मॉल होल गेज के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, पहला क्वेश्चन अगर होल गेज से उठाएगा तो यह पहला उठाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सेकंड तो इसका यूज पूछता है, इसका प्रयोग वहां किया जाता है जहां टेलीस्कोप गेज का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात टेलीस्कोप गेज के द्वारा जो साइज मापा जाता है उससे छोटे साइज मापने के लिए आपको होल गेज का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा सुराख या स्लॉट के अंदर का साइज को मापा जाता है, अर्थात वही व्यास को मापा जाता है, ना कि गहराई को मापा जाता है। अब अगर इसका रेंज देखें तो 3.2 mm से लेकर 12.7, अगर मैं इससे क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन ये पूछता है, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए तो यह पूछेगा बहुत भी यूज, और तीसरा क्वेश्चन हमेशा रेंज पूछता है जो आपको यह होल गेज का महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह तीन ही क्वेश्चन अभी तक पूछे, उसके बाद यह कितने सेट में आते हैं तो यह 7 सेट में आते हैं और 7 सेट का आपको रेंज को देखना पड़ेगा। तो रेंज को हम लोग देखेंगे, ठीक है, होल गेज जो होते हैं वह 7 सेट में आते हैं, 7 सेट के रेंज को देखेंगे तो यह आपको 7 सेट है। आपको कह रहा है सेट नंबर 1 3.2 mm से लेकर 3.8 mm तक होता है। सेट नंबर 1 का साइज जो है 3.2 mm से लेकर 3.8 mm तक होता है। सेट नंबर 2 का जो साइज है 3.8 mm से लेकर 4.5 mm तक होती है। सेट नंबर 3 का जो साइज होती है 4.5 mm से लेकर 5.1 mm तक होती है, और सेट नंबर 4 का जो साइज होती है 5.1 mm से लेकर 6.4 mm तक होती है, और सेट नंबर 5 का 6.4 mm से लेकर 6.8 mm तक साइज होती है, और 6.8 mm से लेकर 9.6 mm तक होती है, और 9.6 mm से 12.7 mm तक होते हैं। पहले ही हम बोले थे, याद रखिएगा 3.2 mm से लेकर 12.7 mm तक के साइज आपको किसके द्वारा लिया जाता है, होल गेज के द्वारा। अगर टेलीस्कोप गेज की बात करें तो 12.7 से लेकर 152.4 mm तक की साइज को मापता है, यानी कि यह अधिक होल अधिक साइज को मापता है और यह कम साइज को मापता है। यही है होल गेज और यही है आपको टेलीस्कोप गेज। अब उसके बाद अगर क्वेश्चन देखेंगे तो इसका साइज वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर पर सेट करके लिया जाता है। इसका साइज वर्नियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के सेट करके लिया जाता है जो दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जिक्र करते हैं, यह आपको साइज कैसे सेट किया जाता है यह दिखाया गया है स्टेप 1 में। यह आपको होल गेज का साइज कैसे सेट किया जाता है और यह आपको कैसे होल गेज से कैसे साइज लिए और तब उसके बाद कैसे स्टेप 2 में साइज को पढ़ा जाता है। यह था मेजिंग टूल का क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 3 के बाद क्लास नंबर 4। इसी तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। आपको मेजिंग टूल बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। बहुत सारे क्वेश्चन तो लोग याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, लेकिन रटने वाले टॉपिक नहीं है। समझने वाले लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है, रीडिंग कैसे पढ़ा जाता है, केवल लिस्ट काउंट याद करने से नहीं होगा। आखिर 0.01 mm अगर माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट आता है तो कैसे आया, यह सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप लोग सभी ग्रुप में यह चैनल को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर हम लोग आ रहे हैं,
और बहुत जल्दी ही ऐप पर काम चल रहा है, 1 से 2 रोज में ऐप पर भी स्टार्ट हो जाएगा। चलिए ओके, बाय बाय।